Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So we will discuss about desktop. Desktop क्या होता है और उससे क्या क्या चीजें रहती है ना. तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. द डेस्कटॉप इज द मेन विंडो 7 स्क्रीन. जस्ट नोट, विंडो 7 एवरी विंडो है ना, प्रत्येक विंडो के लिए जो मेन स्क्रीन होती है उसकी, उसको अपने क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं. यहाँ पे हम विंडो 7 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडो 7 को इंक्लूड किया. ठीक है, प्रत्येक जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जब स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मेन स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं. ओके, देन इट इज द वर्क एरिया वेयर डायलॉग बॉक्स, विंडोज आइकन, ये वो वर्क एरिया है जहाँ पे एक यूजर काम करता है. ठीक है, और मेनली वर्क के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे विंडोज आइकन, मेन्यू, ये सब अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ये सारे मेनली ये कह सकते हैं कि उस यूजर के सब हथियार हैं जो कि मेनली उसको डेस्कटॉप के ऊपर मिलते हैं यूज करने के लिए. जैसे एक एम्प्लॉय को ऑफिस में काम करने के लिए टेबल के ऊपर उसको सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ठीक वैसे. ये अपना स्टेटमेंट आ गया, लाइक एन ऑफिस डेस्क. जैसे एक ऑफिस में एक टेबल लगी हुई थी एक एम्प्लॉय के लिए ना, ऑफिस डेस्क. विंडोज 7 डेस्कटॉप कंटेंट आइटम यू कैन यूज टू डू योर जॉब. उसी प्रकार विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप होता है वो भी उन सभी चीजों को रखता है जो कि आपका काम करने के लिए आपको यूज करनी होती है. ठीक, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम योर डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप से आप देखो क्या क्या कर सकते हो. यू कैन परफॉर्म फाइल मैनेजमेंट टास्क, फाइल मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, फाइल्स को मैनेज कर सकते हो. ठीक है, एंड रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और जो सॉफ्टवेयर है ना जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको आप रन कर सकते हो, उनको आप ओपन कर सकते हो. इसके अलावा यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप टू सूट योर परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो. कस्टमाइज का मतलब आप उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप उसमें आइकन हटा सकते हो, नए आइकन ऐड कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो जिसको आपको ज़्यादा यूज करना होता है. ठीक है, जो मान लो आपके स्क्रीन पे नहीं है उसको कर सकते हो, आप चाहो तो सभी के सभी को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, पर आप पूरे डेस्कटॉप को आप ब्लैंक रख सकते हो, तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो जैसे हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है. इसको जैसे मान लो एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है टेबल के ऊपर उसको जब चीज़ें नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली उसको कहीं से लेके आने में टाइम वेस्ट होगा. तो ठीक वैसा ही है, तो कस्टमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीज़ों को वहाँ से हटा दो, आपके काम की उनको भी नहीं, उनको भी कम से कम काम की चीज़ें आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा रखें. डेस्कटॉप आइकन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं. तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो देखो कंप्यूटर मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम में आता है, फाइल मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्स आपके जो डाउनलोड्स हैं, जो आपके क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किए हैं उनको इंडिकेट करता है. रिसाइकल बिन का हमने डिस्कस किया था,
रिसाइकल बिन मेनली उन सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पे मैनेज करता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन के बाद हम यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट आइकन्स हैं, तो इन आइकन्स का मेनली देखो क्या है, कंप्यूटर फाइल्स के लिए हम यूज़ में लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिसेंट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स वगैरह जो है उनके लिए यूज़ करते हैं, रिसाइकल बिन जो डिलीट फाइल है वो रिसाइकल बिन में जाकर बैठती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसके अंदर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो विंडो 7-8 तक मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बाय डिफॉल्ट जो विंडो के साथ यूज़ किया जाता था, बट विंडो 10 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे इसको विंडो 10 के अंदर डिस पीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को हम मेनली किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंप्यूटर का नेम होता है, जैसे जो यूजर है तो मेनली यूजर के नेम से पर्सनल कंप्यूटर को रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, उस नेम से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। उसके अलावा रिसाइकल बिन जो है उसके अंदर रिसाइकल बिन के नाम से जाना जाएगा। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूरी नहीं आता डेस्कटॉप पे हो, इसको हम ऐड कर सकते हैं और ये हमारा स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमें अवेलेबल होता है। थोड़ा सा हम इसको फ्रिक्वेंटली डेस्कटॉप पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारा विंडो 10 का डेस्कटॉप है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो मेनली क्या क्या है। यहाँ पे ये हमारा जो कंप्यूटर नाम से होता है विंडो 7 के अंदर, इसके अंदर जिस पीसी के नाम से होता है विंडो 10 के अंदर, आइकन दोनों का सेम है, उसमें भी कंप्यूटर का चिन्ह होता है, इसमें भी कंप्यूटर का चिन्ह होता है। ठीक है, फाइल्स को मैनेज करने के लिए ये आपको रिसाइकल बिन दिख रहा होगा। ठीक है, रिसाइकल बिन जो डिलीट फाइल्स को मैनेज करता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखो मेरे नाम से शो हो रहा है बिकॉज ऑफ मैंने अपने कंप्यूटर का नाम दे रखा है, यूजर नेम मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे यूजर नेम से डॉक्यूमेंट जो है मेरे से शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको आइकन्स दिखे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह मेरा ब्राउजर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये भी मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो भी आइकन्स हैं मेनली यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हो। आइकन्स में भी देखो कंप्यूटर है, आपका रिसाइकल बिन है, उसके बाद बहुत सारे फोल्डर भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। ये फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है, दो फोल्डर और एक ये वाला फोल्डर है और ये वाला फोल्डर है, चार फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये पाइथन बुक का एक फोल्डर है। ठीक है, तो 5 फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको फाइल यहाँ पे दिख रही है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, जैसे ये बेंडिकेन, इसको वेबएक्स मीटिंग, जूम, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग, OBS, ये सारे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स। आप अपने डेस्कटॉप से इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हो।